Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamualaikum, मैं हूं मुनीजे जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आजकल दुनिया भर में जिंसी तौर पर हरासा या ज्यादती करने का मसला जबान ज़दे आम है। सियासत, सहाफत, सकाफत और खेल समेत कोई भी शोबा हो जिंदगी का तो ये मसला मौजूद है, लेकिन कोई बोलता नहीं। मगर आज हम डालेंगे इसी मसले पर स्पॉट। यह ज्यादती करने के इल्जाम लगाकर हॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। इन इल्जाम के बाद जहां हर कोई वाइनस्टीन के खिलाफ अपने गमो गुस्से का इजहार करता पाया गया, वहां नामवर हॉलीवुड अदाकारा एलिसा मिलानो ने एक नया कदम उठाया। मिलानो ने सोशल मीडिया पर मीटू हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए खवातीन से कहा कि अगर वो भी जिंदगी में कभी जिंसी ज्यादती या हरास का शिकार हुई है तो इसी हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए जवाब दें और अपनी कहानी बयान करें। देखते ही देखते मीटू हैशटैग दुनिया भर में मशहूर हो गया। पाकिस्तानी खवातीन ने भी बढ़ चढ़कर इस हैशटैग का इस्तेमाल किया और अपनी आपबीती बयान की। इंटरनेट सार्फिन के हकूक की एक बुलंद आहंग कारकुन निगत दाद ने भी मीटू इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि उन्हें लातादाद बार इसका सामना करना पड़ा। एक और नामवर सामाजिक कारकुन बीना ने इसी हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए एक तजवीज भी दी। बीना का कहना था कि बजाय कि अपने सोशल मीडिया पर मीटू लिखें, आप खुद के साथ ज्यादती करने वाले फर्द के सोशल मीडिया पर लिखें यू टू। नामवर टीवी अदाकारा नादिया जमील ने भी मीटू हैशटैग का सहारा लेते हुए लिखा कि मैं बहुत छोटी थी जब मुझे हिरासा किया गया और यह सिलसिला चलता रहा। बहुत गुस्सा था, बहुत तशद्दुद था, बहुत तकलीफ थी और फिर बहुत खामोशी जो अब खत्म हो गई। इस मीटू हैशटैग में नई लहर उस वक्त दौड़ी जब ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी फिल्मसाज शर्मिन उबैद चुनौई की एक ट्वीट ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया कि सामाजिक रابطے की वेबसाइट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना हिरासा करने के जुमरे में आता है या नहीं। चंद दिन कबल शर्मिन उबैद ने कहा था कि ये मेरी समझ से बाहर है कि किस तरह एक डॉक्टर जो इमरजेंसी में मरीजों के इलाज के लिए मुतय्यन है, वो उनकी तफसीलात लेने के बाद उन्हें फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है। उन्होंने मजीद लिखा कि ऐसा करना इंतहाई गैर अखलाकी है और इस डॉक्टर ने गलत खानदान की औरत के साथ ऐसा किया है और मैं इसकी शिकायत करूंगी। हिरासा करने को रोकना जरूरी है। हमारी इत्तला के मुताबिक अस्पताल ने मस्कूरा डॉक्टर को मुअत्तल कर दिया है। इस वाक्य के बाद बड़ी तादाद में लोगों ने जहां शर्मिन के इकदाम की हिमायत की, वहां बहुत सो ने इसकी मुखालफत भी की। नाजरीन, सवाल यह है कि हरासा करने की हदें क्या और कहां तक हैं, और क्या मी टू हैशटैग ने मुतासरीन की खामोशी तोड़कर एक ऐसे मसले को उजागर किया है जो माशरे में आम है लेकिन ममनू भी है। हमारे मेहमानों में शामिल हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब, बहुत शुक्रिया। कराची से ज्वाइन किया है हकूक निस्वा के लिए सरगर्म रहने वाली कारकुन अनीस हारून साहिबा, आप किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, वैफ की एक आप अहम मेंबर होती थी। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून नूर इजाज चौधरी साहिबा ने, आप एक सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट भी हैं। और हमारे साथ होंगी तंजीला मजहर साहिबा, आपको याद होगा कि ये प्रोग्राम भी करती थी, पीटीवी के ऊपर आती थी, मगर इन्होंने भी शिकायत की थी हरासा होने की, जिसके बाद इनके साथ क्या हुआ हम इनसे जरूर पूछेंगे, ये भी हमें ज्वाइन करेंगी। मगर सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगी नूर, चूंकि आप एक केस भी कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब जब बात करते हैं जी क्या डेफिनेशन है हरासा होने की, तो हमारे पास एक डेफिनेशन है, मगर मैं चाहूंगी कि आपके मुंह से ये बात आए कि हरासा होने के कदोखाल, मतलब जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है। थैंक यू सो मच मुनीजे। हरासमेंट की डेफिनेशन एक कानून आया था 2010 में, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट हरासमेंट एट द वर्कप्लेस एक्ट। इसने इंट्रोड्यूस की एक बहुत ही ब्रॉड किस्म की डेफिनेशन, जिसने ये भी बात आइडेंटिफाई की कि हरासमेंट आर अनड्यू एडवांसेस एज वेल। कोई भी इंसान अगर आपके साथ इस तरह का एडवांस करे जो अनवेलकम है, जिससे आप अनकंफर्टेबल फील करती हैं, तो वो हरासमेंट में आएगा। जैसे कि अब इसी केस के हवाले से बात करते हैं कि अगर एक वल्गर वीडियो भी आप भेजें किसी को, दैट कॉन्स्टिट्यूट सेक्सुअल हरासमेंट। लेकिन उसके लिए भी सबसे जरूरी चीज ये देखना है कि इंटेंशन क्या है उस इंडिविजुअल की जो हरास कर रहा है, और कंटेंट क्या है उस हरासमेंट का। ठीक है, उसी से अस डेफिनेशन। हाँ जी, तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि इंटेंशन को देखना बहुत जरूरी होता है कि इसकी नीयत क्या थी। जी बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल। तो जो इंटेंशन से ही जाहिर होता है जी
कि क्या वो इंडिविजुअल का मकसद क्या था, व्हाट ही वांटेड टू अचीव, अचीव क्या वो करना चाह रहे थे अपने इस एक्शन से, क्या रिस्पांस गेज करना चाह रहे थे. जो हमारे पास डेफिनेशन है 2010 के कोड ऑफ कॉन्डक्ट में, वो अगर मैं आपको पढ़ के सुना दूं ताकि हमारे नाजरीन को भी आइडिया हो जाए कि नापसंदीदा जिंसी रगबत, जिंसी राबते की पेशकश, जबानी कलामी या लिख कर नापसंदीदा गुफ्तगू या जिस्मानी तौर पर जिंसी राबते की कोशिश, काम में दखल अंदाजे या मुतलका पेशे की जगह पर धमकी अमेज, मुखालफाना माहौल पैदा करना या ऐसी कोशिश की जाए जिसे जिसके जरिए शिकायत कुंद्रा से मजकूरा मतलब पूरा ना होने की सूरत में इसको सजा दी जाए या इसको मुलाजमत देने के लिए इस तरह की कोई शर्त आयद की जाए, तो इसका मतलब है कि ये हरासमेंट हो. अनीस हारून साहब, आपकी जानेब आऊंगी. जो शर्मीन उबैद की बहन के साथ हुआ और आप एक पुरानी कारकुन हैं, क्या आप उसको जिंसी हरासा के जुमरे में देखती हैं या हरासा के जुमरे में देखती हैं? थैंक यू मनीजा. देखो, मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ फ़र्क करना चाहिए. हमें यहाँ फ़र्क करना चाहिए कि सेक्सुअल हरासमेंट और हरासमेंट में फ़र्क है. ये जो कानून है ये सेक्सुअल हरासमेंट को कवर करता है. गो कि जिस वक्त ये कानून बना था तो बहुत लोगों के एतराजात पे ये सेक्सुअल का लफ्ज़ हटा दिया गया, लेकिन लीगली ये कवर करता है सेक्सुअल हरासमेंट को. अब जो रही शर्मीन की बात, तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि ये बहुत सेंसिटिव मसला है, लेकिन इसके एक लीगल पैरामीटर्स हैं. अगर उस लीगल पैरामीटर्स पे ये पूरा उतरता है तो ये सेक्सुअल हरासमेंट के ज़ुमरे में आता है. ठीक. लेकिन जहाँ अगर सिर्फ हरासमेंट की बात है तो वहाँ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जिसने ख़त भेजा है या रिक्वेस्ट भेजी है और जिसको भेजा है उसकी रिलेशनशिप क्या है. तो मैं समझती हूँ कि एक डॉक्टर और पेशेंट की रिलेशनशिप बहुत सेंसिटिव होती है और ये अनप्रोफेशनल ज़रूर है. ठीक है. कि आप एक मरीज़ को देखें और उसको फौरन ही रिक्वेस्ट भेज दें. जी, अनप्रोफेशनल है, मगर क्या हरासे के जुमरे में आता है कि नहीं, ये आपने बात सही की कि कानूनी तौर पे ना. इससे पहले कि मैं बात आगे बढ़ाऊँ और बाकी मेहमानों से भी बात करूँ, अगर आप मुख्तसर सा मुझे बता दीजिए नूर, कि क्या ये हरासा जो आपने कानून पढ़ा है उसके उसके जुमरे में आएगा, हरासा के जुमरे में आएगा? जी, मैं फिर से वही अपनी बात दोहराना चाहूँगी कि हरासमेंट की ये थी कि नहीं थी, इसको देखने के लिए हमें इंटेंशन देखनी है उस डॉक्टर की, और हमें ये देखना है कि डॉक्टर की क्या कंटेंट क्या था. क्या उन्होंने बाद में कोई वल्गर मैसेजेस भेजे, क्या उससे पहले उन्होंने उनकी बॉडी पे रिमार्क्स किए, ये बात भी देखना बहुत ज़रूरी है. कॉन्टेक्स्ट में हम देखना हमारा बहुत ज़रूरी है और इंटेंशन देखना बहुत ज़रूरी है इस अगर हम कानूनी मद और कानूनी सतह पर देखते हैं. ठीक. तो ये कह रहे हैं जी इंटेंशन देखना जो डॉक्टर की है वो बहुत ज़रूरी है. क्या उन्होंने उनको कोई ऐसा मैसेज भेजा जो वाकई में नहीं भेजना चाहिए था? चौहान साहब, आपकी पार्टी के ऊपर भी ये इल्ज़ामात लगते रहे हैं माजी के अंदर, आपकी पार्टी के अंदर से ही लोग इस किस्म के इल्ज़ामात लगते रहे हैं, तो आप जब इस इशू को देखते हैं ख़ासतौर पर इस शर्मीन उबैद केस के अंदर, क्या आप इसको हरासे के ज़ुमरे में लाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए मनीज़, बात यह है कि हरासमेंट दोनों तरफ से सेम है. अगर औरत जो है वो मर्द के साथ जाना, उसकी इंटेंशन के बगैर जाना, उसको इलीगली और इमॉरली जाना उसको ट्रीट करने की कोशिश करेगी जाना, और उसको गैर इखलाकी तरीके से ट्रीट करने की कोशिश करेगी, और इसी तरह एक मर्द जो है एक औरत को ट्रीट करने की कोशिश करेगा, चाहे वो टेलीफोनिकली करे, चाहे वो आप सोशल मीडिया के जरिए से करे, चाहे वो डायरेक्टली करे, जिस अंदाज से भी करे, उसकी विल और विश के बगैर जो है वो उसको गैर इखलाकी अंदाज से जो है वो जब उसको छेड़खानी करेगा तो इसको हरासमेंट कहते हैं. काउंटर पार्ट दोनों तरफ से जो भी ये करे, और मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर जो है वो कानून की अमलदारी भी होनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है. देखें, आपकी जो शर्मीन का वाकया है, अब फेसबुक के ऊपर जो है वो सारा दिन जो है ना वो फ्रेंड रिक्वेस्ट के जरिए से ही जो है वो सारे मामला चल रहे होते हैं, मेल टू मेल, मेल टू फीमेल, फीमेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, ठीक है ना. इस पर अगर इस अंदाज से जो नरगसियत का इजहार किया है ना शर्मीन ने अपने ट्विटर के जरिए से, ट्वीट के जरिए से, मैं ये समझता हूँ कि ये मैं मेरे कागजों में कम से कम मैं ये समझता हूँ कि ये कुछ ज्यादा ही नरगसियत का और कुछ ज्यादा ही जो ना वो अपनी नाजुकपन का जो उन्होंने इसका बैकलैश आएगा. और मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा पर्सनल भी एक व्यू है कि शर्मीन ने जिस तरीके से वो तेजाब
गैरत के नाम पे जनाब वो मौत और जनाब औरतों के मुंह पे तेजाब फेंकने के ऊपर जो है ना वो जो इंटरनेशनल लेवल पे और यूरोप में और मगरब में जो है ना जो एक फेम और एक मकाम हासिल किया और पैसा कमाया और फिर वो अलग बात है कि जिस औरत के ऊपर तेजाब फेंका था उसको अभी तक जनाब तंजीला मैं आपसे पूछती हूँ चूंकि आपके आप इस मरहले से गुजर चुकी है मगर अगर हम इस इश्यूज को देखें तो कानून के तहत इस डॉक्टर के पास एक फोरम मौजूद है एक इंक्वायरी होती है जिसके बाद ये मामला एक ओम्बड्समन को जाता है जिसके बाद अगर वो तब भी मुतमईन नहीं है तो सदर के पास जाता है और सदर के पास भी मुतमईन नहीं है आप वापस इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जा सकते हैं अगर ये सारे मामला हैं तो आप क्या समझती हैं कि इस केस के अंदर क्या आप एक तरह से एक बेहतर हुआ है हरासमेंट के इशू को ज्यादा हवा मिली है या उसको मजीद कंट्रोवर्शियल बना दिया गया थैंक यू मुनीजे सॉरी मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकी किसी इमरजेंसी में मुझे आना पड़ा जी अभी भी मैं ट्रैवल कर रही हूँ देखें इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं अनीस हारून साहिबा बहुत मोहतरम है सीनियर हैं इनसे हम सभी बहुत सीखते हैं जब ये बात करती हैं मैं यहाँ पे एक छोटी सी क्लारिफिकेशन ज़रूर चाहूँगी कि आपके सुनने वाले और देखने वाले ज़रूर ये समझ सकें ये जो जिंसी तौर पर हरासा किए जाने को पाकिस्तान में गलत तशरी किया जाता है और ये अखज़ किया गया कि जब तक किसी औरत पे उसको इन्वेड ना किया जाए फिज़िकली या उसको हाथ ना लगाया जाए उस वक्त तक हरासमेंट नहीं होती इस कन्फ्यूजन ने भी बहुत ख़राबी की इस सारे मामले के साथ एक औरत को इसलिए लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर भेजते हैं या उसको तंग करते हैं कि वो औरत है एक ऑफिस में जो सीनियर पोजीशन पे बैठा हुआ आदमी एक औरत वर्कर को इसलिए बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए अपने ऑफिस में बिठाता है कि जी क्योंकि वो लड़की है उसकी जिन्स एक औरत की है और इस बुनियाद पे उसको हरासा किया जा रहा है इसको जिनसी तौर पर हरासा किया जाना कहते हैं और ये इसमें हमारी मीडिया कम्युनिटी इसमें हमारा सोशल मीडिया पे जितने भी हमारे दानिश्वर हैं उन सब की जो समझ है वो काबिले रहम है क्योंकि आपको बार बार इस चीज़ को दोहराने की ज़रूरत है कि एक औरत को औरत होने की वजह से जब हरासा किया जाता है तो उसको कहते हैं जिंसी तौर पर हरासा किया जाना ज़रूरी नहीं है कि उस औरत को किसी ने आके हाथ लगाया है उसको फिजिकली आके उसकी जो पर्सनल स्पेस है उसको इन्वेड किया है तो ही आप कहेंगे हरासमेंट हुई है ये बहुत ज़रूरी नुक्ता है और आप क्योंकि बहुत लाउड है इस इशू के ऊपर आपने बहुत सपोर्ट किया है विक्टिम्स को भी और इस इशू पे बात भी करती हैं इसलिए मैं चाह रही थी कि यू शुड मेक इट यू नो ऑन रिकॉर्ड दूसरी जो बात शर्मीन का जो केस है जब आप समाजी राबतों की वेबसाइट्स के ऊपर अपने अकाउंट्स बनाते हैं बेसिकली आप कनेक्टिविटी के लिए कर रहे होते हैं मैं इसके दो पहलुओं पर बात करूँगी बिल्कुल ठीक है इस तरह के इशू से हरासमेंट का मौजू जिसको टैबू बनाया गया था हमारे मुआशरे में जिसपे लोग बात नहीं करते थे वो बात तो कर रहे हैं लेकिन इसको इतना कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए कि जो जेन्युइन केसेस हैं वो उसके ऊपर उनका बुरा असर पड़े तंजीला आप हमारे साथ ही रहिएगा आपकी फ्रेमिंग का कुछ मसला और है वो हम ठीक करते हैं और हम वक्फे पे चलते हैं मगर वक्फे के बाद हम इस पे भी रोशनी डालेंगे कि क्या वजह है कि कानून तो आ गया मगर बहुत कम खवातीन आके शिकायत लगाती हैं क्या वाकई में पाकिस्तान के अंदर कुछ होता नहीं या औरतें डरती हैं उनको जद्दोकोब कर लिया जाता है इसकी क्या वजह है वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन नूर मुझे ये बताइए चूंकि आप एक ऐसी केस की पैरवी करिए जहां पे एक खातून को हरासा किया गया था जिस तरह के कंपनी के अंदर हमने सुना कि उनको हरासा किया गया था और उन्होंने रिपोर्ट भी किया और ये मामला चलते चलते ओम्बड्समन से सदर से अब सुप्रीम कोर्ट में आ गया है मगर बहुत सारी ऐसी खवातीन है हमारे पास कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं हैरान कुन के 93% जो खवातीन है जब वो हरासा होती है उनमें से सिर्फ 7% जो है वो बोलती हैं तो इसकी क्या वजह है आपकी क्लाइंट ने तो कुछ कह दिया बाकी लोग खामोश क्यों रहते हैं जी बाकी लोग बैकलैश से डरते हैं बैकलैश जो आता है सेक्सुअल हरासमेंट के बाद जब एक औरत अपनी आवाज बुलंद करती है और बात करती है कि जी मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुई उसके बाद जो बैकलैश आता है वो डरावना होता है और यही शायद मुझे भी डर है शर्मीन उबैद चिनॉय के इंसिडेंट के बाद से कि इतना जो नेगेटिव बैकलैश आया है उससे खवातीन ज्यादा डरेंगी उससे उनको ये ज्यादा होगा कि हम अगर इसके बारे में और बात करेंगे तो हमें भी इसी तरह नेगेटिव बैकलैश फेस करना पड़ेगा तो शायद हम लोगों को आज ये बात भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि
हम जो केस कर रहे हैं सब जुड़े से सुप्रीम कोर्ट में, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहूंगी, लेकिन ये हमें देखने की जरूरत है जितने आप इस बात को आप दबाएंगे, नफासत से करेंगे इसको, जितने आप जितने इसको एक सलीस तरीके से आप इसको हैंडल करेंगे तो उसी तरह फिर बैकलैश भी रिड्यूस होगा। ये मामला संगीन है, सेक्सुअल हरासमेंट इज अ वेरी सीरियस इशू। जी अनीस साहिबा, आपकी जानिब आऊंगी। देखिए सिर्फ शर्मीन के केस के अंदर बैकलैश आया है, मगर बाकी केसेस के अंदर हमने देखा है कि कई वजहों के ऊपर, वजूहात की वजह से औरतें खामोश हो जाती हैं। हमने सिंध यूनिवर्सिटी के अंदर देखा कि उनको कहा गया कि जी आपके वालिद साहब को हार्ट पेशेंट है, अगर उनको पता चल जाए उनको तो हार्ट अटैक हो जाएगा, आप ना बोलें। तो फिर क्या डू यू थिंक के लॉ लाने से मामला कुछ बेहतर होंगे, और ये जो मी टू हैशटैग से लोगों ने बोलना शुरू किया था शायद इस वाक्य के बाद, चूंकि ये तनाजे में चला गया है, कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया, लोग फिर खामोश हो जाए? देखिए ये दो अलग मुख्तलिफ चीजें हैं मनीजे। एक तो ये कि लॉ आने से जरूर हालात में फर्क इस तरह से पड़ा है कि ज्यादा अवेयरनेस हुई है और कंप्लेंट्स भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन इनके फैसले क्या हो रहे हैं, क्या सही हो रहे हैं, क्या वाकई इसका इम्प्लीमेंटेशन सही है, तो फिर यहाँ वो इशू आता है कि जो इम्प्लीमेंटेशन का एक इशू सारे कानून के साथ है, ख़ास तौर पे जो वायलेंस अगेंस्ट वेमेन के कवानीन हैं उनका तो हार्डली 5% कन्विक्शन रेट है। तो इम्प्लीमेंटेशन की बात अलग है, लेकिन कानून के आने से एक अवेयरनेस बढ़ी है और एक मौका मिला है, एक एवेन्यू जो है वो हमने खोला है। जो सोशल मीडिया है वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, मेरा ख्याल है कि उस पर ना इस तरह के इश्यूज इस तरह से नहीं आने चाहिए और ना ही इस तरह का बैकलैश आना चाहिए कि लोग असल केस को डिस्कस करने के बजाय किसी भी शख्स की पर्सनालिटी को उठा लेते हैं कि जी वो तो ऐसा है, वो तो ये है, और हमें उसका इंटेंशन ये लगता है। मेरा ख्याल है इससे एक नेगेटिव जो बैकलैश है वो जनरेट होता है, हमें उसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक ये बात है कि जी कि और हम आप इसको एक पैमाने पे नहीं रखें, जो औरत की तरफ से मर्द का हरासमेंट हो या मर्द की तरफ से औरत का हरासमेंट हो, ये बड़ी मुख्तलिफ दो चीज़ें हैं। इस कानून का गलत इस्तेमाल मैं आपको यूँ बताना चाहती हूँ कि हाल ही में एक लेबर लीडर को आप सस्पेंड करने की बात कर रही हैं, उसकी मुलाजमत से अलग कर दिया गया क्योंकि तीन लेडी डॉक्टर्स ने जो दिन के 2-3 बजे ओपीडी में थी इस बात पे कि उसने शोर मचाया कि मेरे बच्चे को बिस्तर नहीं मिल रहा है, कोई डॉक्टर नहीं देख रहा है, हरासमेंट का केस दाखिल कर दिया, तो उस महकमे ने जो सरकारी महकमा है जी, उस बेचारे को अपनी मुलाजमत से बगैर इन्वेस्टिगेशन के फारिग कर दिया, उसका केस अब NCHR के पास है। तो ये इस तरह की ज्यादतियां तो होती हैं, लेकिन ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है और हमें इसको सेंसिटिवली देखना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं चौहान साहब। सोशल मीडिया पे बहुत सी चीजें ट्रिवलाइज होती हैं। अच्छा मैं आपकी जाने फिर से आऊंगी, मगर चौहान साहब देखिए जो जिस तरह अनीस साहिबा ने बात की कि हरासमेंट की जब केसेस आते हैं, हमने बहुत दफा देखा है, चाहे वो तंजिला का केस था, चाहे वो शर्मीन उबैद की बहन का केस था, हरासमेंट के बारे में कम बात होती है, उस केस की सेहत के बारे में कम बात होती है, उस खातून के बारे में ज्यादा बात होनी शुरू हो जाती है, इसकी क्या वजह है? देखो मसला ये है कि कानून बनाना सबसे आसान काम है, कानून पे अमल दरामद कराना सबसे मुश्किल काम है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब औरत भी आवाज़ उठाए या मर्द या औरत, लेकिन 99.9% यानी हरासमेंट औरत के हवाले से ज़्यादा जाना होती है, अगर वो आवाज़ उस वक्त उठाए कि जब वो वेस्टर्न इंटरेस्ट उसके पीछे हों, ठीक है ना, आपने अभी शुरू में अपने जनाब वही कर रहे हैं जिसका वो मेरी सुन लो बात, आप सुनो, 3 साल पहले एक औरत को जनाब मैसेजेस आते हैं, अब मैं वेलस सतूर बात करूंगा, चलिए आयशा गुलाले की बात पे आप आ गए ना, फिर 3 साल पहले जनाब उसको आते हैं जनाब, ठीक है, 3 साल बाद जनाब वो कहती है कि अब मेरा जमीर जाग गया, अब मेरा जब औरत वही बात कर रहे हैं। अनीस साहब एक मिनट, जब आपके वेस्टर्न इंटरेस्ट की बुनियाद पे इन इश्यूज को आप उठाएंगी तो फिर आप अपनी कम्युनिटी अपनी जवाब आप जरूर देंगे। एथिक्स कमेटी बनी पार्लियामेंट के अंदर कि जी आयशा गुलाले ने जो इल्जामात इमरान खान साहब के ऊपर लगाए हैं आप उस कमेटी को पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने बॉयकॉट कर दिया, और इमरान खान साहब से जब टेलीफोन मांगा गया तो उन्होंने कहा मैं नहीं देता, उसकी क्या वजह है?
आप जो है वो 8 अपोजिशन के मेंबर बिठा के एक कमेटी बना दें, ठीक है ना, और सारे के सारे जो है वो इमरान खान साहब से इस वजह से नाराज हों कि पिछले 7 सालों के अंदर इमरान खान साहब ने सारों की विकटें उड़ा के सबकी जो है ना वो सत्यानाश फेरा हो सियासत का। अच्छा। आप उनको बैठा के एक ऐसे इशू के ऊपर, एक ऐसे औरत के इशू के ऊपर जो अपने मुंह से कह रही है कि वो फेयर कमिटी नहीं थी, होना ये चाहिए था कि FIR कटवाने जाती, चाहे आयशा गुलालाई थी, चाहे कोई भी था, आपकी पार्टी शर्मीन की बहन के हवाले से अगर हुआ है वो फौरी तौर पे जाती। हर पार्टी के अंदर एक कमिटी होनी चाहिए जिसको इसको इंक्वायरी करना, आपकी अपनी खवातीन। आप मुझे एक चीज बताएं, मनी से मुझे एक चीज बताओ, होना ये चाहिए, खवातीन पुलिस स्टेशन है ना मौजूद, खातून को चाहिए फौरी तौर पे जाके FIR कटवाए, FIR कटने के बाद एक लीगल उसको जनाब कवर मिल जाता है, फिर जब वो उसकी परसुएशन करेगी, उसको एग्जीक्यूट करेगी अपने केस को, तो हर हवाले से सेफ एंड साउंड होगी, मॉरली भी सेफ एंड साउंड होगी। अब आपने, और आपकी जनाब आपने बड़ा अच्छा तरीका बताया कि FIR अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मगर जब वो खातून अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाती है, सर यू कांट टॉक सो लॉन्ग ना, अकाउंटेबिलिटी की तरफ जब वो जाती है तो फिर उसके साथ क्या होता है ये पूछेंगे तंजीला से, चूंकि वो इस मरहले से गुजर चुकी है। वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में, और हमने देखा है कि जो नया कानून आया है 2010 के अंदर, उसके अंदर अगर कोई भी खातून हरासा हो तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो एक सियासी जमात है, चाहे वो एक मीडिया चैनल है, चाहे वो कोई और दफ्तर है, तो उनके पास एक इंक्वायरी कमेटी होनी चाहिए, और इंक्वायरी कमेटी जो है वो कानून का आज तकाजा है, कानून ये डिमांड करता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंक्वायरी कमेटी करें, और अगर कोई खातून दफ्तर से बाहर बाजार के अंदर हरासा होती है तो फिर 509 उसको लगता है, और उस सिलसिले के अंदर वो FIR कटा सकती है। अब जब वो FIR कटाती है, इंक्वायरी कमेटी तक जाती है, तो उसके साथ क्या होता है? तंजीला, आप इंक्वायरी कमेटी तक पहुंच गई पाकिस्तान टेलीविजन की, मगर फिर आपने अपनी जो कंप्लेंट थी वो वापस ले ली, इसकी क्या वजह है, और आपने नौकरी भी छोड़ दी? नहीं, हमने कंप्लेंट वापस नहीं ली, यहाँ से नहीं ली, ऑम्बड्समैन में हम लोग गए थे, वहाँ से हम लोगों ने केस को परस्यू नहीं किया था। मेरी को कंप्लेनेंट की जो है वो उनका बेबी बहुत क्रिटिकल डिलीवरी थी, वो इसी सारे प्रोसेस में उनके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई, और हम लोगों को मतलब जो फैमिली का स्ट्रक्चर बन गया था, मुझे बहुत सारी इवन ब्लास्फेमी के साथ भी कनेक्ट करने की कोशिश की गई, मुझ पर ऐसे भी एलिगेशंस आए, खबरें छपवाई गई, तो फैमिलीज़ को हमारी सिक्योरिटी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा कंसर्न था, हमने वो केस प्रस्यू नहीं किया। लेकिन जो कमेटी के अंदर है, बहुत ज़रूरी है कि जब हम हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस की बात करते हैं, तो हरासमेंट जो होती है वो हायर पोजिशन रखने वाले किसी भी आदमी या औरत की जानब से होती है, किसी लोअर पोजिशन की पे जो काम करने वाली या उसके सबऑर्डिनेट्स हैं जो उनमें से किसी मर्ज औरत के खिलाफ। तो बेसिकली प्रोसेस ये है, जब आपके ही कैडर का, आपके ही लेवल का कोई बंदा आपके साथ कभी भी कोई मिसकंडक्ट करता है, मिसबिहेव करता है, तो आपको स्नब करना आसान होता है। मैं ये ह्यूमन नेचर की बात कर रही हूँ, क्योंकि आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन, आपकी मेहनत स्टेक के ऊपर नहीं होती। लेकिन जब बॉस के खिलाफ आप शिकायत करने जाते हैं, तो जितना भी ऑफिस एनवायरमेंट है वो इंक्लाइन होता है उस बॉस को सपोर्ट करने के हवाले से, क्योंकि उनको भी लग रहा होता है पाकिस्तान में बहुत आसान है औरत के किरदार के ऊपर बात करना। मगर फिर भी लोग पूछते हैं कि आपने ऑम्बड्समन से अपनी रिक्वेस्ट वापस क्यों ली? मैंने आपको भी वही रीजन बताई है कि मेरी को कंप्लेनेंट का बच्चा जो है वो 2 वीक्स का था। ओके, ऑलराइट, तो वो भी वो विलिंग नहीं थी कि इस केस को पर्सू किया जाए, विलिंग नहीं थी, और मेरी फैमिली इस बात पे थी कि क्योंकि मुझे मेरे ऊपर जो खबरें छपाई जा रही थी उससे मुझे ये लग रहा था कि ये तो मुझे मतलब मेरे ऊपर एक्चुअली ब्लास्फेमी की एलिगेशन लगाई गई थी कि ये जो डायरेक्टर साहब थे अक्यूज्ड आगा मसूद शोरिश, ये खत्म नबूवत पे प्रोग्राम करना चाहते थे, एंड आई वांटेड टू स्टॉप हिम, जिसकी कोई मतलब, ये बिल्कुल एक बेसलेस एलिगेशन है। वो डायरेक्टर है, यू नो कि प्रोग्रामिंग कौन करता है, मैं खुद बहरहाल सारे जमाने में रहता हूं। आपका कहना ये है कि आपको एक तरीके से थ्रेटन किया गया, ठीक है तंजीला, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। आपके ऊपर जो एनवायरमेंट बनाया जाता है, नहीं आप जा सकते, फैमिलीज भी सपोर्ट नहीं कर सकती, अपने पेरेंट्स को ये भी बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नूर, जब यहाँ पे तंजीला कहती है कि जी फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर सकती, और आप अपने बॉस के खिलाफ कैसे शिकायत कर सकते हैं, तो जब आप इंक्वायरी कमिटीज में जाते हैं तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो किसके ऊपर होता है? क्या वो विक्टिम के ऊपर होता है, उसने प्रूफ करना होता है कि जी इसने मेरे साथ ये किया, या उसको अपना दफा करना होता है जो हरासर होता है? कानूनी तौर पर कंप्लेनेंट का काम है वो कंप्लेंट दायर करें इंक्वायरी कमेटी के पास, उसके बाद इंक्वायरी कमेटी का इख्तियार है, और इंक्वायरी कमेटी का प्रोसेस ये है कि उन्होंने असेस करना है,
कि कंप्लेंट क्या थी और फिर कम्युनिकेट करना है चार्ज कंप्लेनेंट को. कंप्लेनेंट पे है फिर कि वो अपना रिटर्न डिफेंस जमा करवाए और अगर वो नहीं कराते तो उनके खिलाफ फिर भी प्रोसीडिंग जारी रहेंगी. इस बात से वाजे यही होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ तो अक्यूज्ड पे है कि वो प्रूफ करें कि उन्होंने किया, उन्होंने हरास कि नहीं किया. चौहान साहब देखिए तो अब मामला जिस तरह नूर कह रही है ना कि मामला अब आगे भी तो बढ़ना चाहिए. ये जो कानून बना है बहुत सारे लोगों ने इसका खैर मकदम किया है, मगर जिस तरह आपकी पार्टी है, आप अपने आप को इंसाफ पार्टी करते हैं, बाकी भी पार्टीज हैं उनके अंदर भी इंक्वायरी कमेटी नहीं है, क्या वजह है? देखिए अगर इंक्वायरी कमेटी नहीं है तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक और दुनिया के हर कानून के मुताबिक कॉन्सिक्वेंटली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तो होती है ना. ये तो नहीं लिखा हुआ ओम्बड्समैन भी होता है वही ना. ये तो नहीं लिखा हुआ कि अगर आप इंक्वायरी कमेटी जो है वो कोई रिजल्ट नहीं देती, आउटपुट नहीं देती तो फिर उसके बाद ये मामला डिफ्यूज हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा. नहीं, आपके पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप वहां पे जाएं, आप कानूनी पर्सुएशन करें. आप कानूनी पर्सुएशन करें ना सोशल मीडिया के अंदर, मीडिया के अंदर और आपकी पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर के अंदर आप इस मामले को उछालना शुरू कर दें तो मैं ये समझता हूं कि आप इस इशू को और खवातीन के साथ आप ज्यादती करेंगे. आप प्रॉपर तरीके से उसको एग्जीक्यूट करें और उस गलीज इंसान को प्रॉपर तरीके से बेनकाब करें ताकि किसी की दोबारा उस अदारे के अंदर और उस पार्टी के अंदर जुरत ना हो कि वो इस अंदाज से किसी खातून को ठीक है. अनीस साहब ही हैज अ पॉइंट, वो ये कह रहे हैं कि खास देखें मरीजे ये कानून इसलिए बनाया गया कि हर खातून के लिए कोर्ट में जाना इतना आसान नहीं होता, हर केस की एक कॉस्ट भी होती है, इसलिए टू फैसिलिटेट ये कमेटियां बनाई गई ताकि उस इदारे पे भी एक प्रेशर रहे कि हमें एक तरीके से बिहेव करना है ख्वातीन के साथ. अब हम उसी को चैलेंज कर दें कि ये हम क्यों करें, ये क्या बात हुई. पहले तो आप कानून के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कि आप ये कमेटियां नहीं बना रहे, दूसरी तरफ आप फोर्स कर रहे हैं एक खातून को जो ऑलरेडी विक्टिम है कि आप जाइए कोर्ट में अपना वकील कीजिए और पैसे खर्च कीजिए और अगर आप नहीं कर सकती तो उसको भूल जाइए. तो मेरा ख्याल है कि जो कानून बना है उसकी पासदारी जो है वो बहुत ज़रूरी है. ये मसला ऐसा नहीं है कि इसको हम किसी को की भी ज़ात का सहारा लेके उसको ट्रिवलाइज कर दें. ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है और 10 में से 7 खवातीन का हरासमेंट होता है, ये बात हमारे एक्सपीरियंस में है. और ज़्यादातर इसलिए नहीं बोलती कि उनकी बहुत सारी मजबूरियों के अलावा एक हमारी सोसाइटी का माहौल है कि हम उन्हीं के ऊपर इल्जाम लगाने शुरू कर देते हैं कि कपड़े यूँ पहने होंगे. हाँ, पहले हम आपने क्यों नहीं बताया. भाई हम जानते हैं दुनिया में जो जिनका हरासमेंट होता है उन्होंने सालों बाद बात की है, यहाँ नहीं बल्कि. But that's an important point. क्योंकि लीगली क्या आप कर सकते हैं कि नहीं नूर, क्या अगर 3 साल या 4 साल बाद जिस तरह ये कह रहे हैं कि जी आयशा गुलाले इतने साल इतने महीने से इनको पता था तो फिर बिल्कुल लीगली कर सकते हैं. देखिए हर फैक्ट बिल्कुल केस के फैक्ट्स पर डिपेंड करती है और सारी दुनिया में होता है. इस बात पे मैं वापस बिल्कुल मैं एक बात जरूर करना चाहूंगी कि कानून में ये सेफगार्ड भी है कि अगर एक औरत पे प्रेशर है कि वो अपनी कंप्लेंट विड्रॉ करे तो इंक्वायरी कमेटी के पास ये इख्तियार है कि वो कंप्लेंट विड्रॉ करने की इजाजत ना दे. अच्छा. तो अगर इंक्वायरी कमेटी को ये लगता है कि खातून के साथ जो हरासमेंट हुई है वो ऐसा केस है, ऐसा संगीन मामला है जिसको आगे लेके बढ़ना चाहिए तो वो इंक्वायरी कमेटी के पास इख्तियार है, वो आगे लेके बढ़ेगी. बेशक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इंक्वायरी कमेटी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाती तो फिर उनके ऊपर एक कदगन लगती है या उनके खिलाफ भी आप कोर्ट के अंदर जा सकते हैं कि जी इस ऑर्गेनाइजेशन ने इंक्वायरी कमेटी नहीं बनाई हुई खवातीन के हवाले से. बिल्कुल, आप ऑम्बड्स पर्सन को ये कंप्लेंट आप बिल्कुल उनके साथ ऑम्बड्स पर्सन के साथ दायर कर सकते हैं ये कहते हुए कि इंक्वायरी कमेटी क्योंकि कानूनी तौर पे मैंडेटरी है, अगर आप ये नहीं कर रहे तो फिर दाखिल करेंगे कि सियासी पार्टीज ने क्यों नहीं बनाई. हाँ, मगर चौहान साहब फिर इस पे तो हम कम से कम अग्री कर सकते हैं, ये टेस्ट है कि अगर कानून के लिए आप इंक्वायरी कमेटी बनाए तो कम से कम सियासी पार्टीज को तो बनानी चाहिए. आपने तो पार्लियामेंट के अंदर भी कोई नहीं बनाई सियासी पार्टियों को छोड़े. जो अनीस साहिबा ने बात की है वो बड़ी जबरदस्त है, मैं उस बात को आगे परसू करूंगा कि इस कानून के अंदर ये नुक्ता भी शामिल करना चाहिए कि अगर आपकी इंक्वायरी कमेटी का से कोई इसका रिजल्ट नहीं निकलता तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में खातून को जाना पड़ता है. तो अगर साबित हो जाए कि उस मर्द ने हरास किया है तो फिर उस केस के तमाम अखराजात जो औरत की तरफ से हों वो मर्द देने का पाबंद होगा, चाहे वो लाखों में हो, चाहे वो करोड़ों में हो, चाहे वो हजारों में हो. ये कानून के अंदर ये नुक्ता होना चाहिए जो मेरी एक अकल समझती है. कानून है उसके तहत क्या इंक्वायरी कमिटीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मैं तो आपसे ये पूछना चाह रही हूँ. आप सियासी कारकुन है, सियासी रहनुमा है, कह रहा हूँ ना इसका तो बिल्कुल ये होना चाहिए, इसको परस्यू करना चाहिए.
अब आप मुझे एक चीज बताएं, क्या ये जो इशू आप डिस्कस हमारी पार्टी के हवाले से कर रहे हैं, क्या आयशा गुलालाई ने पार्टी के अंदर कोई एप्लीकेशन दी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को कि आप इंक्वायरी कमेटी के अंदर इसको सेंड करें? आपके पास इंक्वायरी कमेटी है? मैं ये पूछ रहा हूँ, इंक्वायरी कमेटी बनाता है ना, सेक्रेटरी जनरल बनाता है ना, फिर अगर कोई ऐसा इशू होता है तो उस पर वो इंक्वायरी कमेटी बिल्कुल होगी। हमारा प्रॉपर एक जनाब चार अफराद के ऊपर मुश्तमिल, आपके ब्रिगेडियर जनाब टीपू सुल्तान, आपके चौधरी जनाब अरशद दाद साहब, मुफ्ती सईद साहब, जो बड़े ही डिसेंट, बड़े ही रिस्पेक्टेबल हम मुफ्ती सईद साहब जो ना मुफ्ती सईद हो रहा है, हमारा पूरा एक पैनल मौजूद है कि जो इन तमाम इश्यूज के ऊपर इंक्वायरी करता है, चाहे वो आपकी मॉरल से रेलेवेंट है या आपका हो, लेकिन कोई दरखास्त आई? अच्छा, दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। जी नूर, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी, दरखास्त देना जरूरी नहीं था आयशा गुलालाई की, उससे पहले उसकी दरखास्त से पहले एक इंक्वायरी कमेटी फॉर्म होनी चाहिए थी। इंक्वायरी कमेटी हर इदारे में पहले से बनी होनी चाहिए। अच्छा, मगर अनीस साहिबा भी कुछ कहना चाह रही हैं। जी अनीस साहिबा, मैं ये कह रही हूँ कि उसमें एक खातून का होना भी जरूरी है, वो कमेटी सिर्फ मर्दों पर मुश्तमिल नहीं होती कानून के तहत, तो आप उसके अंदर एक खातून जी कानून के डाल देना। मैं 100% अनीस साहिबा की इस बात पे एग्री हूँ, लेकिन प्रोग्राम के एंड पे मैं एक नुक्ता बड़ा इम्पोर्टेंट जो आप सबको जो है इसको समझना चाहिए, खवातीन भी जिस तरीके से रिटर्निंग अफसरान ने 2013 के इलेक्शन में ना 62-63 को बदनाम करके रख दिया था, हर कैंडिडेट से पूछते थे, मैं भी कैंडिडेट था, हाँ जी आप आखिरी एक आखिरी जनाब तीन सूरतें सुनाओ, आप जनाब कलमा सुनाओ, मेरे 20 सेकंड रह गए। इसी तरीके से अगर खवातीन भी वेस्टर्न इंटरेस्ट के तहत इस इशू के ऊपर काम करेंगी तो इस इशू के हवाले से बाकी खवातीन के मामला पे काम करेंगी। लास्ट वर्ड आपसे। मैं यही कह रही हूँ कि बहुत सेंसिटिव इशू है और इसे औरतों को भी इसकी सेंसिटिविटी समझने की जरूरत है और मर्दों को भी और पॉलिटिकल पार्टीज को भी, क्योंकि वही एक ऐसा माहौल बनाएंगी जिससे हमारे मुल्क में इसकी अहमियत उजागर होगी। अब इलेक्शंस आ रहे हैं, हमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी से डिमांड करना चाहिए कि वो अपने यहाँ कानून के मुताबिक ऐसी कमेटियाँ बनाएं। अनीस हारून साहिबा, नूर और तंजीला मज़र साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया था। चौहान साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ये एक बहुत ही अहम